एग्जाम सेंटर पर ब्लूटूथ से नकल करने के मामले में 5 परीक्षार्थियों को पुलिस ने रविवार को अरेस्ट कर लिया। इनमें से एक का एग्जाम सेंटर गांधीनगर डीएवी था। चेकिंग के दौरान पुलिस की नज़र एक लड़के के कान पर गई तो कुछ संदिग्ध लगा। ठीक से जांच की गई तो ब्लूटूथ सामने आ गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा इंडिया रिजर्व बटालियन नियुक्ति परीक्षा के दौरान यह मामला सामने आया। बाकी 4 मुन्ना भाई रांची के अन्य सेंटर से पकड़े गए। राज्य के 385 सेंटर्स पर यह परीक्षा हुई। वहीं रांची के 67 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। डीएवी गांधीनगर एग्जाम सेंटर पर एक परीक्षार्थी हाईटेक नकल करते हुए धराया। इस परीक्षार्थी ने इनर के अंदर मोबाइल को विभिन्न पार्ट में विभक्त कर रखा हुए था। कान में ब्लूटूथ के माध्यम से नकल की तैयारी में था। संदेहास्पद गतिविधि के कारण इसे पकड़ा गया। सेंटर सुपरिंटेंडेंट की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा थाने में परीक्षार्थी से पूछताछ चल रही है। बताते चलें कि पिछले सप्ताह हुई इसी परीक्षा में नकल करने कराने के आरोप में 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।